हिमाचल की 300 मीटर के ऊंचाई पर स्थित सोलंग वैली, जिसको पूरी दुनिया जानती है हेवन ऑफ द मनाली के नाम से, और आज मैं आया हूँ उसी सोलंग वैली को एक्सप्लोर करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित और मैं हूँ ट्रैवल लॉकर। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। और अभी स्क्रीन पर दिखने वाली जगह पे हुआ था कृष मूवी का शूटिंग। वैसे ज्यादातर हिमाचल में होने वाली शूटिंग लगभग यहीं पे होती है। बस हाफ एन आवर के अंदर हम लोग मनाली से सोलंग वैली के लिए पहुंच गए। सोलंग वैली एंट्री करते टाइम मुझे पता चला कि यहाँ पे आज के डेट के लिए भीड़ बहुत ज्यादा है। भाई लोग फिकर नॉट, क्योंकि ये सोलंग वैली है, मनाली का सबसे हिवन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भीड़ हमेशा आपको दिखाई देगी। और इस ब्रिज को देख के गेस कर लेना कि ये कौन सी मूवी का है। डेफिनेटली ये है टैंगो चार्ली का ब्रिज। और इस ब्रिज को एंड करते ही यहाँ से होता है सोलंग वैली का स्टार्ट पॉइंट। सो गाइज, आज के ट्रैवल स्टोरीज में हम आए मनाली के सोलंग वैली, जो कि मनाली का जिसको हेवन माना जाता है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि माउंटेन बाइक है, स्कीन है, ये देखो मेरे पीछे स्कीन कर रहा है, इसके अंदर रोपवे का एक्टिविटी होता है, यहाँ पे स्केटिंग है, ट्यूब राइड है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज है। सो मैं आज एक्सप्लोर करने वाले हैं सोलंग वैली। सो लेट्स गो, आइए देखते हैं कितना मजा आता है आज के ट्रिप के अंदर। और दूसरी बड़ी बात, यहाँ का माहौल अभी बहुत ही बढ़िया है, सब जगह स्नो पड़ चुका है और यहाँ का टेम्परेचर में भी अराउंड माइनस में ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई अभी हम एंजॉय तो करने वाले हैं, साथ में देखते हैं कितना सेफ भी रखते हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज हैं, अगर कुछ मिस मतलब क्या बोलते हैं, कुछ मिस हो गया ना तो अपने पैर टूटने के चांसेस भी रहते हैं, थोड़ा सा रिस्की। तो अगर आप यहाँ पे आते हो, एक्टिविटी करते हो, तो थोड़ा सा संभल के भी करना जरूरत है। अभी पहुंच चुका हूँ रोपवे एंड स्की सेंटर ऑफ सोलंग वैली का। तो ये देखो मेरे पीछे दिख रहा है, नीचे है उसका टिकट काउंटर, आई थिंक 650 पर पर्सन है। उसके बाद हम यहाँ से स्टेयर के ऊपर से जा सकते हैं और वहाँ पे रोप के अंदर बैठ सकते हैं। जो कुछ बंदे वहाँ पे बैठ रहे हैं तो वो वहाँ से आई थिंक ऊपर की पहाड़ी के तक ले जाता है, जो कि सबसे बड़ी पहाड़ी है। तो ऊपर से जाना और आना वो 650 के अंदर होता है, अगर करना चाहिए तो आप इसका मजा ले सकते हो। दो सौ यार रुपया पर दिया होगा ना आपने, क्यों दिया? अरे भाई Thank you.
उसके अंदर थोड़ा प्याज और टमाटर ज्यादा करना। ये माउंटेन के अंदर ये चना चटपटी खाने में बहुत मजा है जी। इतना दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बहुत ही बढ़िया बनाया। कब से आप ऐसे रहते हो सर? ये हम खाली 3 महीने के लिए सीजन करने आते हैं। 3 महीने के लिए मतलब जून तक? जून तक। हेलो, क्या नाम है? नाम रखा है इसका कुछ? खरगोश। बढ़िया सा ही। कितने साल का है? 1.5 साल का। गैजे है, अगर किसी को ट्यूब राइड करना रहेगा तो ये स्टेयर्स ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर से ट्यूब राइड करते हैं। आई थिंक पर पर्सन उसका 50 रुपीज से लेकर कुछ तो आता है प्राइजेस। मार्च के बाद बिकना शुरू हो जाएगा। ये ना 4 महीने पर बिकता है, उसके बाद पूरी पेड़ में पत्ती आई जा रही है। मई से होगा वो उगना शुरू, उसमें पत्ती उसके बाद उसमें फूल आएगा और उसके बाद उसमें फ्रूट लगा। जैसे हल्का फूल आएगा वो धीरे धीरे तैयार होता जाएगा, उसकी मेहनत करना पड़ता है। जैसे निटाई प्रूनिंग, आजकल उसकी प्रूनिंग चली है ना, अब वो निकलने वाली पत्तियाँ और उसके बाद वो फिर फूल देगा, उसके बाद वो सैंपल देना शुरू हो जाएगा। चाहिए पहाड़ी इलाके में बनता है क्या? ये देखो एक छोटे छोटे जो गांव है ना, गांव में छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना, इसमें जो नेचुरल शेप अपना अभी मिलेगा वहाँ। ये भी उसके पेड़ है। आज आप यही है भैया की कहाँ है? ये था अपना सोलंग वैली का इवन। बहुत ही मजा किया यहाँ पे।
सब एक्टिविटी करना रहेगा अगर आपको, तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये लगेंगे इंक्लूडिंग मील्स। तो यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग से लेके ऑल एक्टिविटी आप कर सकते हो और काफ़ी सारा एंजॉय आप कर सकते हो। तो सोलंग डेफिनेटली आइएगा मनाली अगर आते हो। तो इसी के साथ हमारे ब्लॉग यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो और आप अगर इस वीडियो देखते टाइम अगर नए हो तो मनाली का हिमाचल का ऑल वीडियोज़ मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसके अंदर मैं दे दूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रहेंगे जो आपको काफ़ी अच्छा लगेंगे और दिलचस्प लगेंगे। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम ये सफ़र यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हम जाएंगे दिल्ली, क्योंकि हमारा ट्रेन जो है परसों रात का है, बट ट्रैफिक की वजह से कम 17-18 घंटा लगेगा इससे ड्राइवर का कहना है। सो दैट्स हम अभी निकलेंगे, बट जाते टाइम हम मनु टेम्पल या फिर ऐसा और कोई एक टेम्पल करके हम यहाँ से निकलेंगे। ओके, सो थैंक यू।